हेलो व्यूअर्स, आज हम मणिपुरी फीटा बनाएंगे। ये मणिपुरी फीटा एक्चुअली सुई से ही बनाते हैं। एक सुई होता है उससे बनाते हैं, लेकिन वो तो मुझे आती ही नहीं, तो इसलिए मैंने सोचा हम लोग मशीन पे ही बनाते हैं। तो पहले वाले वीडियो पे हम लोग ऐसे ही मशीन पे ही हम लोग इस तरह से उनकी कटिंग करके हम लोग डोरमेट भी बनाते थे। तो हमने सोचा आज हम हमारे कल्चर का फीटा बनाएंगे। तो हमने उनकी इस तरह से कटिंग कर दिया है और हम लोग कपड़ा लेंगे। ये देखिए कपड़ा लिया है और हमने बड़ा सा थाली लिया है। इसके शेप के अकॉर्डिंग से हम लोग कटिंग कर देंगे। कटिंग हमने दो पार्ट किया है। तो देखिए ये दो पार्ट पे हमने पहले वाले पार्ट हमने मशीन पे रख दिया है। इसके ऊपर हम लोग ब्लैक कलर के, सबसे पहले ब्लैक कलर के ऊन इस तरह से रख देंगे। रखने के बाद इसके ऊपर स्टिच करते जाएंगे। स्टिच हम दो दो बार करेंगे, दो बार करेंगे, क्योंकि ये एक दो तीन बार धोने के बाद मतलब ये ऊन छूट जाता है, तो इसलिए हम लोग बारीक से मतलब स्टिच करते जाएंगे दो बार। देखिए हम लोग इस तरह से स्टिच करते जाएंगे। तो देखिए हमने पूरा राउंड कर लिया है। इसके ऊपर दूसरा मतलब गोल वाला कपड़ा हम लोग इसके ऊपर रख कर फिर से और एक बार स्टिच करते जाएंगे। ये स्टिच करने के बाद थोड़ी सी जगह हम लोग खाली छोड़ देंगे, क्योंकि हम लोग इसको सीधा करने के लिए, तो हम लोग इसको सीधा कर देंगे। तो देखिए हमने सीधा कर दिया है। सीधा करने के बाद जो हमारे जो खुला साइड रह चुका है उसको हम लोग बंद कर देंगे। बंद करने के बाद इसके ऊपर और एक राउंड लगा के हम लोग स्टिच कर देंगे। इससे मतलब थोड़ा टाइटली रहेगा और उन धोने के बाद भी छूट नहीं पाएगा। तो देखिए हमने पूरी राउंड लगा लिया है। तो हम लोग साइड पे हम लोग पिंक कलर के ऊन जो हमने कटिंग करके रखा है उसको हम लोग इस तरह से लगाते जाएंगे। हम लोग पिंक कलर के ऊन को हम लोग एक ही राउंड लगाएंगे। उसके बाद हम लोग येलो कलर के जो ऊन हैं वो हम लोग दो राउंड लगा लेंगे, क्योंकि हमारे पास पिंक कलर के ऊन कम है। तो देखिए हमने एक राउंड लगा लिया है और जो येलो कलर के ऊन है उसको हम लोग इस तरह से रख देंगे। और देखिए हम लोग पिंक कलर के जो ऊन लगाए हैं उसको हाथों से थोड़ा सा हटा दीजिएगा, क्योंकि येलो कलर के ऊन जब राउंड लगाएंगे तो वो पिंक कलर के ऊन भी स्टिच कर देंगे गलती से, तो इसलिए हम लोग उसको हाथों से हटा देंगे। तो देखिए हमने जैसे बोला था येलो कलर के ऊन को हम लोग दो राउंड लगा लिया है और पिंक कलर के राउंड को हम लोग एक ही बार लगाएंगे। और हाँ व्यूअर्स, अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो देखिए हमारी ख़त्म होने ही वाली है फीटा। तो देखिए इस वाले साइड पे हम लोग पिंक कलर के ऊन को हम लोग इस तरह से रख के स्ट्रिच कर देंगे। बीच में हम लोग कुछ ज़्यादा ही देंगे पिंक कलर के, देखने में सुंदर हो। और ख़त्म होने के बाद थोड़े से ऊन अगर लंबे हो और छोटे हो तो प्लीज़ कैंची से उसे सेटअप कर दीजिएगा। तो हम लोग फीटा बना चुके हैं। तो हमारी फीटा बन के रेडी हो चुकी है। अगर उनकी अगर छोटे अगर बड़े दिखे तो कैंची से सेटअप कर दीजिएगा। तो हमारी फीटा बन के रेडी हो चुकी है। कैसी लगी हमारी वीडियो और हमारी फीटा,
कमेंट पे ज़रूर बताइएगा। बाय बाय।